हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मैं आज छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आई हुई हूँ अपने ढीवारिन माता के मंदिर में। तो यहाँ मतलब पूरे गांव का पूजा होता है, कोई शादी विवाह हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, सबसे पहले यहाँ पूजा किया जाता है, इन माता को पूजते हैं। और ये पूरे गांव की हैं और ये पूरे मतलब गांव से बहुत लास्ट में है, बहुत दूर पड़ता है गांव से। वहाँ है एकदम एकांत में, खेत वेत के बीच में है। तो बहुत पूरे दूर दूर तक आप लोगों को खेत खेत ही दिख रहा होगा, वहाँ भी एकदम आना पड़ता है। तो अगर मैं जैसे बारिश के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में नहीं, आप नहीं आ सकते सुबह सुबह। मैं तो अभी सुबह 7 बजे ही आई हूँ। गर्मी में तो एकदम आप कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन सर्दी ठंडी में और बारिश में आप तो सुबह आ ही नहीं सकते बिना, मतलब इतना मतलब यहाँ घास उग जाता है पूरा, जगह नहीं रहता है आने के लिए, बहुत मुश्किल से आना पड़ता है। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, हमारे यहाँ पूरे गांव का यहाँ पूजा किया जाता है, सबसे पहले इन्हीं माता को पूजते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पूजा पाठ हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ रास्ते में ना माता रानी के मंदिर जाते टाइम यहाँ तालाब में पूरा मतलब पड़ता है तालाब, तो वहाँ पूरा तालाब में ये कमलगट्टे का फूल ही फूल है। पहले बहुत कम होता था लेकिन इस साल बहुत पूरा तालाब ही भर गया है। और यहाँ कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरे तालाब में फूल ही फूल, ग्रीन और पिंक में, हल्का पिंक, बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर आप सामने से देखेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। और एक बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा तालाब भर गया है।